हेलो फ्रेंड, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से मैं एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर्स में हम आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो उसका ब्रॉड टॉपिक है वो तो है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। हम जब भी कभी कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कुछ हमारे उद्देश्य होते हैं जिनको हम उस प्रोग्रामिंग के द्वारा फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं या जो हमारी कंडीशन है उसके अनुसार ये वाले हमारे प्रोग्राम हैं या ये हमारे सिंटैक्स हैं, ये हमारे फंक्शंस हैं, ये हमारे एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो इन्हीं तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कंडीशनल एग्जीक्यूशन, फंक्शन, लूप इत्यादि। तो हम आज इस लेक्चर में हम आपको कंडीशनल एग्जीक्यूशन के बारे में बताना चाहेंगे। अब ये पहला सवाल आता है कि ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन होते क्या है। तो जैसा कि इसका नाम बताता है कंडीशनल एग्जीक्यूशन, अर्थात जब कुछ कंडीशन सत्य है तब हमारे ये प्रोग्राम और या ये जो हमारे कमांड्स हैं इनको एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम एक ऐसा स्कूल कंसीडर करते हैं जहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि किसी स्टूडेंट के अगर 50% से ज़्यादा नंबर आएंगे तो उस स्टूडेंट को पास माना जाएगा, पास घोषित किया जाएगा। और अगर 50% से कम नंबर आएंगे तो उस स्टूडेंट को फेल घोषित किया जाएगा। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो। आप ये चाहते हो एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम उस स्टूडेंट के नंबर को इनपुट करें, और अगर हम कोई ऐसा नंबर इनपुट करते हैं जिसका मान 50 से ज़्यादा हो, अर्थात उस जो स्टूडेंट के नंबर हैं 50% से ज़्यादा हो, तो आपका जो प्रोग्राम है वो आपको प्रिंट करके दे कि यह स्टूडेंट पास हो गया है। और अगर आप इनपुट करते हैं कि किसी स्टूडेंट के नंबर 50% से कम है तो हमारा सॉफ्टवेयर पहले इस कंडीशन को वेरीफाई करे कि नंबर 50 से ज़्यादा है, 50 से कम है, और अगर 50 से कम है तो वहाँ पे वो प्रिंट कर दे कि यह स्टूडेंट फेल हो गया है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। और हमारे पास, कैसे मैंने उदाहरण में खाली 2 ही आउटपुट लिए हैं, लेकिन आपके पास 2 से ज़्यादा आउटपुट हो सकते हैं। तो इस तरह के कंडीशनल एग्जीक्यूशन को भिन्न भिन्न जगह पर करने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार के सिंटैक्स और कमांड्स होते हैं। तो हम इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम इस कंडीशनल एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में आज हम 2 प्रकार के हमारे कंडीशनल एग्जीक्यूशन से उनको समझने की कोशिश करेंगे। एक है इफ़ और दूसरा है इफ़ एल्स। और हम आपको समझाने के लिए इसमें भिन्न भिन्न तरीके के उदाहरण लेंगे और उन उदाहरणों के द्वारा हम इन दोनों कंडीशनल एग्जीक्यूशन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और इन कंडीशनल एग्जीक्यूशन को समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब भी कभी आर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है, अर्थात हमको ऐसे स्टेटमेंट चाहिए जो हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकें। और ये कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम जो भी कंडीशन देते हैं उसके अनुसार जो भी हमारे कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसी में हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लूप्स होते हैं। तो इनके बारे में हम आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में एक एक करके बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्या होता है, इसका मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया है और समझाने की कोशिश भी करी है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इन कंडीशनल एग्जीक्यूशन को आर सॉफ्टवेयर में किस तरीके से किया जाता है। तो हम सबसे पहले अपने एक स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसको हम एक कॉमन भाषा में कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट, IF। इफ़ का हिंदी में मतलब क्या होता है, यदि। कि यदि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसको हमारा जो इसका एग्जीक्यूशन होता है वह उस तरीके से होता है कि अगर मैंने कोई एक कंडीशन दी है और ये कंडीशन हमारी एक, इसका जो आउटकम होगा वो हमारा एक लॉजिकल होगा, और लॉजिकल आउटकम पता है आपको कौन सा होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारी सत्य है तब जो भी हम चाहते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। जैसा मैंने कहा कि अगर हमारा कोई स्टूडेंट है उसके अगर 50% से ऊपर के नंबर आते हैं तो उस स्टूडेंट को पास घोषित किया जाए। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर हम अपने स्टूडेंट के नंबर इनपुट करें तो हमारा आर ये देखने की कोशिश करें कि जो भी हमारे मार्क्स आए हैं वो हमारे 50% से ज़्यादा हैं या नहीं, और 50% से ज़्यादा अगर हैं तो वो यहाँ पे टाइप कर दें कि यह स्टूडेंट पास हो गया है। अब इफ कंडीशन में अगर हमारा स्टूडेंट फेल हो गया उसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। तो इफ़ कंडीशन में हम तभी यूज़ करेंगे जब हमारे पास हम सिर्फ खाली एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर वो कंडीशन सही है। ये देखिए कुछ उसी तरह की बात है कि जैसा आपने देखा है कि हमारे बहुत से इम्तहान होते हैं और इम्तहान के बाद में हमको एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हम एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं, और इसके लिए हमारे पास रिज़ल्ट में या उस जो कोई वेबसाइट पर जो जो लोग हमारे उत्तीर्ण होते हैं उनके नाम डाल दिए जाते हैं। आपने देखा है कि वहाँ पे जो लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनके तो नंबर होते हैं जो, लेकिन जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं उनके नंबर नहीं होते हैं। अर्थात वहाँ पे खाली हमारी एक ही कंडीशन है कि आप उन लोगों के रोल नंबर पिन करिए जो लोग उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम अपने इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझते हैं कि ये कंडीशन को आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसका हमारा सिंटैक्स है, सबसे पहले आप लिखिए if लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, उसके बाद आप अपने पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कंडीशन है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं उसको लिखिए। जैसे हमने कहा हमारे स्टूडेंट के जो नंबर हैं 50% के ऊपर होते हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो भी कंडीशन हमारी होगी हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। और इस कंडीशन के हमारे दो आउटकम होंगे। एक तो आउटकम हमारा होगा कि ये कंडीशन हमारी ट्रू है, सही है। तो जब ये कंडीशन सही होगी तो उसमें हमको जिस प्रकार के कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है उनको हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। तो अगर एक कंडीशन सही होगी तो कंट्रोल इस ब्रैकेट के अंदर आएगा और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कमांड लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, तो जब फॉल्स होती है तो इफ कंडीशन के अंदर यह कुछ भी नहीं करेगा। तो ये हमारी देखिए यहाँ पे कंडीशन है। अब इसके साथ में हम आपको एक बात और याद दिलाना चाहेंगे। आपको याद होगा कि हमने कई लेक्चर्स पहले आपको बताया था कि जब हम मैथमेटिकल ऑपरेटर कर रहे थे कि मैथमेटिक्स में हमारे पास ये सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, और उसमें से जो हमारे आर सॉफ्टवेयर में खाली हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए खाली सिंपल ब्रैकेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इनके हमारे अलग अलग उपयोग होते हैं। तो आपको हमने पिछले लेक्चर्स में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बारे में बताया था, उनका एक उपयोग बताया था। इसके और भी होते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे जो मैंने आपको आज ये कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में भी बता दिया है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे जिन कंडीशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिस कोड को हम इवेलुएट करना चाहते हैं उसको हम लिखते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में हम उस अपने प्रोग्राम को, कोड को लिखेंगे जो कि अगर हमारी कंडीशन सत्य है तो उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर फॉल्स है तो आर उसके आगे कुछ भी नहीं करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल करने में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इफ़ कंडीशन को जब भी हमारी कंडीशंस जो हैं वो वेक्टर वैल्यूड है, अर्थात एक से ज़्यादा कंडीशन को अगर क्रॉस चेक करना है देन हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल हमारे सबसे अच्छा तभी होता है जब हम सिर्फ खाली हमारी कंडीशन में एक ही एलिमेंट होता है, अर्थात हम एक ही कंडीशन को क्रॉस चेक करना चाहते हैं। राइट, अब हम आपको इसका जो भी एक फ्लो चार्ट होता है उसके द्वारा हम आपको हमारा इफ़ फंक्शन कैसे कार्य करता है उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद में जो भी हमारी कंडीशन है, जैसे आपने देखा कि इफ़ के अंदर ये वाली हमारी कंडीशन होती है, तो जब ये कंडीशन हमारी सही होगी तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। तो ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है देन हमारे पास जो भी कमांड्स लिखें कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे। और ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है, गलत होती है, देन यहाँ पे कुछ नहीं होगा और अंततः या करके स्टॉप हो जाएगा। और ट्रू में क्या है कि ये कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप करेगा। तो चलिए, अब हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरण के द्वारा हम आपको यहाँ पर इन चीज़ों को करके दिखाते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा काम करने की कोशिश करते हैं कि हम एक एंट्री करेंगे और अगर हमारा नंबर 4 से ज़्यादा होगा तो हम उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस सवाल को अब आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से हल किया जाए। तो अब हमने देखिए यहाँ पे लिखा, एक हमने नंबर लिखा x equal to 5। अब हमने अपनी इफ़ कंडीशन को लिखा। कैसे लिखा? हमने कहा कि अगर हमारी कंडीशन 4 से ज़्यादा है तो मैंने लिखा यहाँ पे इफ़ और फिर देखिए ये पैरेंथेसिस में हमने अपनी कंडीशन लिख दी। अब कंडीशन क्या होगी? ये हमारी कंडीशन या तो ट्रू होगी और या फॉल्स होगी। तो अगर ये हमारी कंडीशन अगर ट्रू अगर होती है देन उसके आगे जो भी हमको करना है इसको मैंने यहाँ पर देखिए 3 into x कर दिया। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं आपको खाली ये दिखाना चाहता हूँ, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है तो हम कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें या नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही चीज़ को एवॉइड करना है। और अगर 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 हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती है देन हमारे लिए इस कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। और हम आपको आगे जो अगले एग्जाम्पल्स में इसी कर्ली ब्रैकेट को लगा करके के भी मैं आपको ये आउटकम दिखाने की कोशिश करूँगा। और जैसा मैंने कहा था कि आर के कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यही प्रयास में यहाँ भी कर रहा हूँ। तो अब देखिए क्या होगा। आपने यहाँ पर ये जो अपना नंबर दिया है ये क्या दिया है? 5। ये 5 आपका क्या 4 से ज़्यादा है? यस, ये कंडीशन हमारी सत्य है। तो ये जो 5 हमारा है ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 into 5 हमारा जो उत्तर आएगा 15, ये देखिए यहाँ पर आ गया। और इसी प्रकार से अगर हम एक अगली वैल्यू लेते हैं x equal to 3 और उसके बाद में हम इस कंडीशन को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, अर्थात हम इस कंडीशन को फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। इसी चीज़ को अगर हम आपको देखिए आर सॉफ्टवेयर के आउटपुट में करके दिखाएं तो हमने लिया x equal to 5 और देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन ली x equal to 4 और फिर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन सत्य है, ट्रू है, तो हमारा नंबर हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए जब हमने लिया 5 तो कंडीशन सत्य है तो हमको मिल गया आउटपुट 15 और जब मैंने लिया 3 तो ये कंडीशन हमारी क्या है? फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल आया, इसने कहा कंडीशन फॉल्स है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास कोई आउटपुट नहीं आया है। और इसी कार को आप अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन करते हैं, उसी एग्जाम्पल को हमने लिया है लेकिन मैंने यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट लगा दिए हैं जो मैंने कंडीशन ली हुई है सिर्फ आपको खाली दिखाने के लिए। और हमने इसी यहाँ पे वैल्यू ली x equal to 5 और इसी कंडीशन को एग्जीक्यूट किया है और आप देखेंगे कि उत्तर हमारा आ जाएगा 15। और अगर हम लेंगे x equal to 3 और इसी कंडीशन को लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ने के पहले इसी कंडीशन को आपको ज़रा हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं, सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस कंडीशन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सो दैट कि हमारा समय बच जाएगा। अब हमने देखिए यहाँ पे लिया x = 5 और ये कंडीशन मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। तो देखिए क्या उत्तर आ गया, 5 × 3 = 15। और अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इसी कंडीशन को अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं तो भी देखिए आपका उत्तर 15 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे लेते हैं x = सपोज हम लेते हैं 2, राइट। और अगर हम इसी कंडीशन को अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आया। और अगर आपको ये डाउट है कि ऐसा जो भी कुछ हुआ है ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया उसके कारण आया, तो चलिए हम इसी ऑपरेशन को कर्ली ब्रैकेट को लगा करके देखिए यहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं तो भी देखिए आपका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आर सॉफ्टवेयर में आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि आर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि अगर आपकी कंडीशन सत्य नहीं होती है तो ये आर आपको कोई आउटपुट नहीं देता है। तो आप ऐसा कभी सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जब आप आर में अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं कि शायद कोई प्रोग्राम में गलती है। लेकिन प्रोग्राम में गलती नहीं होगी, वो जिस प्रकार से आर कार्य कर रहा है इफ़ कंडीशन के अंदर वही कार्य वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पर आपको समझना है कि ये हमारा आउटपुट किस प्रकार से आ रहा है। तो चलिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा हम आपको इफ़ स्टेटमेंट को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। एक हमारा कमांड होता है प्रिंट। तो जैसा आपको देखिए जो प्रिंट का मतलब है वो आपको दिखाता है कि प्रिंट माने क्या होता है। तो यह प्रिंट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी रिज़ल्ट को स्क्रीन पर देखने के लिए। तो यहाँ पे हम आपको इस प्रिंट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इसके बारे में हम आपको आगे और विस्तार से बताएंगे। तो अब हमारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कोई वैल्यू एंटर करना चाहते हैं और अगर जो भी हमारी वैल्यू है अगर वह 3 से ज़्यादा है तो हम यह प्रिंट करना चाहते हैं कि द वैल्यू इज़ मोर देन 3, अर्थात यह वैल्यू 3 से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे if लोअर केस में और पैरेंथेसिस में मैंने अपनी कंडीशन दे दी x > 3, मतलब x हमारा कोई भी एक इनपुट वेरिएबल है। और उसके बाद में देखिए मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को लिखा और दोनों ओपन और एंड दोनों ब्रैकेट को, और उस ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स के अंदर मैंने टाइप कर दिया द वैल्यू इज़ मोर देन 3। अब इस फंक्शन को, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिया x की वैल्यू ले ली 6 और फिर इस कमांड को जब आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट किया तो आपको जो आउटकम मिलेगा देखिए ऐसा मिल जाएगा, द वैल्यू इज़ मोर देन 3। और ये क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आपने सबसे पहले यहाँ पर लिया हुआ है x = 6, तो 6 आपका यहाँ पर आता है और आता है उत्तर 6 > 3। ये सही है या गलत, उत्तर आता है ट्रू। और अगर ट्रू है तो आपने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में आपने ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये आपका देखिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज करते हैं और x की वैल्यू आप लेते हैं 2 और इसी कमांड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखा मैंने if x > 3, अर्थात यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 > 3। ये हमारी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ये कंडीशन है गलत है, फॉल्स। तो जब फॉल्स है तो आर यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा और फॉल्स है तो ये आपका कंट्रोल उठ करके डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और आपको यहाँ पे कोई भी आउटकम नहीं मिलेगा। और जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं कि जब मैंने x = लिया 6 तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया और जब मैंने लिया x = 2 तो यहाँ पे देखिए कोई आउटपुट नहीं आया है। ओके अब चलिए ज़रा सा इसी एक्सरसाइज़ को ज़रा हम अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करेगा। चलिए हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैंने कोई एक वैल्यू ले ली x = 6 और फिर मैंने देखिए इस कमांड को दिया। तो जैसे मैंने दिया तो जो 6 की वैल्यू 3 से ज़्यादा होती है तो इसने जो भी हमको इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है प्रिंट लाइक दिस द वैल्यू इज़ मोर देन 3 ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और साथ ही अगर मैंने लिया है x = 2 और मैंने इसी कमांड को मैंने यहाँ पे किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया, राइट। तो देखिए एग्जैक्टली यही कार्य तो यहाँ भी हो रहा था जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तब हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है और जब कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो हमारा एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। अब हम यहाँ पर आपको एक और दूसरे कंडीशनल एग्जीक्यूशन कमांड के बारे में बताते हैं जो हमारा है इफ़ एल्स। तो ये जो इफ़ एल्स हमारा देखिए उसी प्रकार से है कि जैसा मैंने अभी इफ़ कंडीशन को जो हमने इस्तेमाल किया है ये उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इफ़ कंडीशन में आपने देखा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं आप उसके कमांड्स लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और अगर हमारे पास जो कंडीशन हमारी गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो हमारे पास एग्जीक्यूट करने को कुछ नहीं होता है, हम उसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं। लेकिन अब हम एक और ऐसी कंडीशन लेते हैं जहाँ पर अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो भी हम कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमने पहले उदाहरण लिया था कि अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 50% से ऊपर आते हैं तो हमको प्रिंट करना है यह स्टूडेंट पास हो गया है। लेकिन अगर हमारे पास एक और कंडीशन है कि हमको साथ में यह भी प्रिंट करना है कि अगर स्टूडेंट के नंबर 50% से कम आते हैं तो वह स्टूडेंट फेल हो गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि आपको इसका नाम दिखाता है कि इसमें से क्या हो सकता है, इफ़ का माने होता है यदि, एल्स मतलब कि अगर यदि ये कंडीशन सही नहीं है तो फिर ये करो। तो इसका देखिए सिंटैक्स क्या होता है, इसका सिंटैक्स होता है इफ़ और उसके बाद में हमको जो भी कंडीशन देनी है वो हमने पैरेंथेसिस में लिख दी। अब ये जो भी कंडीशन लिखी हुई है इसके हमारे पास दो आउटकम आएंगे, एक तो हो सकता है कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो और दूसरा हो सकता है कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमको जिन जिन कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है उनको हम इसके आगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और यहाँ पे हम ये जो भी कमांड लिखेंगे ये जब ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे और अगर यह कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल आगे आ जाएगा और हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स ELSE और उसके बाद हम फिर से कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन सारे कमांड्स को लिख देंगे जो हमारी इस कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट होना होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जो हमने पहले कर्ली ब्रैकेट में कमांड्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने एल्स कंडीशन के आगे कर्ली ब्रैकेट में जो भी कमांड्स लिखे हैं वह हमारे एग्जीक्यूट होंगे। और इसी कार्य को करने का अगर आप फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करिए तो देखिए ये ऐसा कुछ होगा कि आपने यहाँ पे जो भी स्टार्ट किया, जो भी अपनी कंडीशन है ये आपने यहाँ पे लिखी। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसमें से आपने जो भी इफ़ कोड, इसको हम कहते हैं इफ़ कोड का मतलब ये जो मैंने पहले वाले कर्ली ब्रैकेट में कोड लिखा है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये प्रोग्राम रुक जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन हमारी अगर गलत होगी, फॉल्स होगी, तो ये हमारा एल्स के आगे जो हमने कोड लिखा है यहाँ पर ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा, राइट। तो अब चलिए हम आपको इन्हीं कंडीशंस के बारे में कुछ इसकी कंडीशंस बता देते हैं कि किस कंडीशंस में आपको इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद में हम इनको आपके कुछ उदाहरण लेंगे। तो ये जो हमारी कंडीशन है जो हमने यहाँ पर यूज़ करी हुई है अपने इस कंट्रोल स्टेटमेंट में, ये हमारी इसको मुझे तभी करना चाहिए जब हमारी ये वेक्टर वैल्यूड नहीं है, राइट। और अगर हमारी ये वेक्टर वैल्यूड कंडीशन अगर है, मतलब अर्थात इस कंडीशन में एक से ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसका जो भी हमारे पहली पोजीशन पर जो भी लिखा होगा खाली हमारा वही एग्जीक्यूट होगा। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है कि इफ़ एल्स की जो कंडीशन है, अगर आपकी कंडीशन किसको हम इवेलुएट करना चाहते हैं और जिसका उत्तर हमारा ट्रू फॉल्स आएगा, अगर ये वेक्टर वैल्यूड है अर्थात इसके में से ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो अगर एक से ज़्यादा कंडीशन है तो इसको मुझे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये हमको सबसे अच्छा रिज़ल्ट कभी देगी जब हमारे पास यहाँ पे खाली सिंगल एलिमेंट होगा। और उसके साथ में जो हमने जिस कंडीशन की बात करी है, ये जो कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए ये वाली, ये कंडीशन हमारा एक कोई सिंपल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक हमारा कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जहाँ पर हमारे एंड और ऑपरेटर जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते थे, अर्थात एंड और अथवा वाला, और आप उसमें से कोई भी अगर ऑपरेटर को यूज़ करते हैं या उनका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे कार्य करेगा। कंडीशन का जो आउटकम है वो सिर्फ खाली ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में आना चाहिए। तो अब चलिए हम आपको यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा इफ़ एल्स किस प्रकार से कार्य करेगा। तो चलिए, आपने जैसे गणित में कभी देखा होगा कि हमारे पास इस तरह के फंक्शन होते हैं कि एफ एक्स हमारा वैल्यू लेता है एक्स माइनस वन, अगर हमारा एक्स 3 के बराबर है, और यह वैल्यू लेता है 2x अदरवाइज़, मतलब कि अगर हमारा x नॉट इक्वल टू 3 है। आपने इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस देखे होंगे गणित में, हम इसी को यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी अपना इनपुट यहाँ पर देंगे x, और कंडीशन हमारी क्या है कि हमको यह चेक करना है कि x इक्वल टू 3, और अगर x इक्वल टू हमारा अगर 3 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा x माइनस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अर्थात जैसे कि अगर x इक्वल टू है 3, देन हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1 से। और इसी प्रकार से अगर हमारा x 3 के बराबर नहीं आता है, अर्थात ये वाली कंडीशन सही होती है अदरवाइज़, तो ये हमारा x का जो भी इनपुट है उसको वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 3 देन x हमारा 2x से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन को अगर मुझको अपने R सॉफ्टवेयर में करना है तो किस प्रकार से किया जाए, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ज़रा सा एक चीज़ समझाना चाहता हूं कि आप कभी ऐसी गलती मत करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका मतलब क्या है कि x को x माइनस 1 से रिप्लेस करना है, राइट। उसी प्रकार से हम जब लिखते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x को 2x से रिप्लेस करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, और आप ऐसा कभी मत करिएगा कि आप यहाँ पर लिखिए x इक्वल टू एक्स माइनस 1 और दोनों को कैंसिल कर दीजिए, या आप लिखिए x इक्वल टू 2x और x को कैंसिल करके आप ये दिखाने की कोशिश करिए कि 1 इक्वल टू 2, ये सब कुछ मत करिएगा, राइट। तो अब इस बात को अगर मुझे अपने R सॉफ्टवेयर में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने ये इक्वलिटी साइन यूज़ किया है ये एक्चुअली में लॉजिकल इक्वलिटी साइन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ x इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 3, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, और अगर ये कंडीशन हमारी अगर सही है तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स माइनस 1, अर्थात x की वैल्यू को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अगर ये कंडीशन हमारी अगर फॉल्स होती है तो क्या हो जाएगा, x को हम 2x से रिप्लेस कर देंगे, x विल बी इक्वल टू 2x। तो अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए चलिए हम एक यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 5। अब ये बताइए कि ये जो हमारी 5 है ये क्या हमारी 3 के बराबर है? उत्तर है फॉल्स। जब फॉल्स अगर है तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा 2 × 5 और ये हो जाएगा हमारा 10, राइट। और यही देखिए आपको आपको यहाँ पे आउटकम भी दिखाई देगा। अब इसी में हम आपको एक और वैल्यू लेते हैं और हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं x = 3। अब आप ये बताइए, जब ये कंट्रोल हमारा इफ़ के आगे आता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है x3 = 3। ये कंडीशन क्या सही है कि गलत है? ये कंडीशन तो सही है, तो ये कंट्रोल हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे 3 - 1 ये हो जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 2, जो आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और ये इसी का स्क्रीनशॉट है। तो चलिए हम आपको इस चीज़ को आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और फिर उसके बाद आपको हम एक और उदाहरण लिख करके दिखाएंगे जिससे आपको इसके बारे में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। तो चलिए हम इस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अब अगर हम यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू लेते हैं 7 और इसी कमांड को देखिए हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद कोई आउटकम नहीं आएगा, आपको फिर से देखना है कि x की वैल्यू क्या हो गई। तो आपने चूँकि यहाँ पे लिया था x = 7, 7 हमारा चूँकि 3 के बराबर नहीं था तो ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया और फिर हमारा ये यहाँ पे x = 14 आ गया, 2 × 7 = 14, राइट। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू लेते हैं 3 और फिर से हम अपने इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखिए x की वैल्यू क्या आती है 2। तो क्या हुआ, x = हमारा था 3, ये हमारा एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और हमारे 3 की जगह आ जाएगा 3 - 1, जो आंसर है हमारा 2। तो आपने देखा कि इन चीज़ों को आर सॉफ्टवेयर में करना बहुत ही आसान काम है। अब हम जो हमने एक उदाहरण पहले लिया था, हम उस उदाहरण को आगे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं और ये उदाहरण मैंने इफ़ कंडीशन में लिया था जहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर कोई संख्या हमारी 3 से ज़्यादा है तो उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं कि द वैल्यू इज़ more than 3। अब हम यहाँ पे इसमें कंडीशन ऐड करते हैं। पहले वाले केस में हमने अगर हमारी कंडीशन 3 कोई हमारा नंबर अगर 3 से ज़्यादा नहीं है तो उसके आगे कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब हम प्रिंट करना चाहते हैं कि अगर हमारी वैल्यू 3 से ज़्यादा है तो यह प्रिंट करे द वैल्यू इज़ more than 3 और अगर यह 3 से कम है तो यह प्रिंट करे द वैल्यू इज़ less than 3। तो इसको कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे पास देखिए इफ़ एल्स की कंडीशन हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ और पैरेंथेसिस में हम अपनी जो कंडीशन है उसको लिख देते हैं कि x > 3। ये हमको इसको एग्जीक्यूट करके बताएगा कि ये कंडीशन हमारी सही है कि गलत है। और उसके बाद हमने देखिए पहले अपना कर्ली ब्रैकेट लिखा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने अगर ये कंडीशन सही होती है तो हम प्रिंट करना है यहाँ पे प्रिंट और पैरेंथेसिस में डबल कोट्स में मैंने लिख दिया द वैल्यू इज़ more than 3। और अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा एल्स और फिर से मैंने यहाँ पर ये देखिए कर्ली ब्रैकेट बनाया और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया द वैल्यू इज़ less than 3, राइट। अब देखिए इसमें से क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक इनपुट दिया, मैंने इनपुट दिया x = 6। अब 6 देखिए यहाँ पर आया, 6 > 3, क्या ये सही है कि गलत है? ये ट्रू है, तो ये ट्रू हुआ। तो ये हमने जो भी कंडीशन के आगे कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है द वैल्यू इज़ more than 3 इसने आपको लिख करके दे दिया। तो देखिए आपका आउटकम आ जाएगा द वैल्यू इज़ more than 3। अब इसी उदाहरण को अगर हम एक और तरीके से करते हैं और हम x की वैल्यू लेते हैं x = 2। अब ये बताइए ये जो 2 हमारा है ये क्या 3 से ज़्यादा है कि बड़ा है, क्या है ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। और जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो इसने क्या किया, ये कंट्रोल हमारा एल्स के ऊपर आ गया और एल्स के आगे जो भी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा था द वैल्यू इज़ less than 3 इसने उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो आपने देखा कि जब हमारी कंडीशन सही या गलत होती है उसके अनुसार हमारा ये कमांड कार्य कर देता है। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है और ये चीज़ चलिए मैं आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से और समझ में आएगा। और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज़ें कार्य करती हैं। मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया और अब हम देखिए यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं। सपोज़ मैंने लिया x 9 और यहाँ पर मैंने इस कमांड को दिया तो देखिए क्या आ गया, जो 9 की वैल्यू है 3 से ज़्यादा है तो ये जो हमारा कमांड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, द वैल्यू इज़ मोर देन 3। और ये देखिए हमारा प्रिंट होकर के आउटकम आ जाएगा। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन थे, द वैल्यू इज़ मोर देन 3 एंड द वैल्यू इज़ लेस देन 3। इसमें उसने चूज़ कर लिया कि जब ये कंडीशन सही है तो उसको पहला वाला जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करना है। अब हम यहाँ पे लेते हैं, अगर मैंने ले लिया x 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 is greater than 3 नो। तो अगर हम इसी कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या आ गया आउटपुट, द वैल्यू इज़ लेस देन 3, अर्थात ये कंडीशन सही नहीं थी। तो इसने जो दूसरे वाले कर्ली ब्रैकेट में लिखा था एल्स के आगे, इसने उसको यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखा दिया। राइट, ओके, तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ पे इफ़ और इफ़ एल्स दो तरह की कंडीशंस के बारे में बताया। तो दोनों को हम अलग अलग कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं और इसका नियम तो देखिए बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको कोई कंडीशन को इवेलुएट करना है, उसको क्रॉस चेक करना है, उसके बाद में अगर कंडीशन सही है तो आपको ये करना है सिर्फ, कंडीशन अगर गलत है उसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है। तो आप कौन सा यूज़ करेंगे कमांड, इफ़। और अगर आपको ये भी देखना है कि अगर एक कंडीशन सही है तो ये होना चाहिए और कंडीशन गलत है तो ये होना चाहिए, तो इस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स। और इस तरह के हमारे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको इसका उपयोग बहुत दिखाई पड़ेगा। जैसे कि हम आपको एक और उदाहरण दे सकते हैं कि आप एक प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, उसका कुछ आउटकम आ रहा है और उसको आपको आगे एग्जीक्यूट करना है, आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। और सपोज़ कि ऐसा है कि जो हमारा प्रोग्राम उसके पहले रन कर रहा है उसका जो आउटपुट है वो हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपका कोई आउटपुट अगर नेगेटिव आ रहा है और आप उसका अगर स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको वहाँ पे मिस्टेक देगा, एरर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस आउटपुट को आगे प्रोसेस तभी करना है जब अगर आपका उसके पहले वाला आउटपुट पॉजिटिव हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन को या इफ़ कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर इफ़ तो कंडीशन है, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन 0 और जब कंडीशन ये सही होती है देन इसका स्क्वायर रूट निकालो। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इफ़ एल्स का यूज़ करते हुए कि अगर वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो स्क्वायर रूट निकाल दो और नहीं तो प्रिंट कर दो कि जो आपका इनपुट है वो नेगेटिव है। तो जो भी आपके प्रोग्राम की आवश्यकता है आप उसके अनुसार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप छोटे छोटे उदाहरण लीजिए और जो आप सोचिए उसको इसको कंडीशनल एग्जीक्यूशन से करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे उसका उत्तर भी मालूम है आपको और उसी चीज़ को आप आर सॉफ्टवेयर में करेंगे और अगर दोनों का उत्तर अगर मेल खा जाता है तो इसका मतलब कि आपने सही तरीके से सोचा है और आपको कंडीशनल एग्जीक्यूशन समझ में आ गया है। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले टर्न पर इसी कंडीशनल एग्जीक्यूशन के दो और कमांड्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।